जरा पूरा बढ़िया सा हाथ पीछे हाथ उंगली हटाओ, पूरा डायरेक्शन लो पूरा। क्यों? उनको पता है कि हमारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर ने बोला है कि क्लाइंट के पास वीडियो जाएगा, उन काम का है। अब फिर खुल पाया करो माया पर, मैं पाया पर अपन क्लाइंट के पास जाएगा, आपका एक्शन, आपका डायरेक्शन, आपका फॉर्मेशन सीसीटीवी कैमरे से पूरे इसके अंदर छा रहा है। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि नहीं आप 15-20 मिनट ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन मैं ऐसा काम कर दूं जो मुझे दूर से कोई बोले कि सिक्योरिटी गार्ड नंबर है। आप लोगों की वजह से आईटी का सिक्योरिटी का नाम रोशन होता है ना। हमारे डायरेक्टर, हमारे एमपी, हमारे चेयरमैन राम परियार सर आप लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। हर सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर और एसओ और उनके अंडर में जो भी काम करते हैं उनके बारे में विचार करते हैं और किसी के पेट में लात नहीं मारने देते हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य है कि सीखना है आपको। आपका आपकी वजह से हमारा आईटी आगे बढ़ेगा। आप हमारी बंदूक की गोली है। अगर आईटी ने आपको गोली समझ के अंदर डाल दिया और ट्रिगर दबा दिया, गोली फायर, आप हमारी गोली है, हमारी ताकत हो आईटी की, बदनाम नहीं होने देना। कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, मेरे को मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं राम साहब हमारे डायरेक्टर एमपी चेयरमैन साहब के बिल्कुल क्लोज रहता है, मेरा फोन फौज से उठाते हैं और मैं करता नहीं। मेरे गार्डों के बारे में उन्होंने खुद बोले हैं कि मेरे गार्ड को कोई पेमेंट, आप लोगों का कोई पेमेंट रुका हो या नहीं मिला हो या कोई तकलीफ हो तो आप हमको हमें बता सकते हैं। अभी हमारे पांडे जी कितने साल से काम कर रहे हैं? चार साल से। कभी आपको तकलीफ हुई तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों की वफादारी, जवाबदारी और दूसरी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ऐसे लग रहे हो कि हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं सोनू जी, तो सोनू जो फील्ड ऑफिसर आए ना शुक्ला जी की जगह, जो आदमी आया है उनके जरिए वो सावधान होते हाथों पर करो। सोनू जी बिल्कुल आया हाथों पर करो, ऐसा करके पुरानी शुक्ला जी के बहुत बढ़िया बजाओ चाली शुक्ला जी के नाम पे, बहुत बढ़िया है आपको। मैं बहुत दिल खुश हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, नेशनल कमांडो की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बाय गॉड, आज इतने दिनों इतने महीनों के बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या डायरेक्शन है, क्या हाइट है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या बॉडी है, क्या कर रहा हूँ क्या। तो पहले वाले ने कहा है वर्दी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की, वर्दी वर्दी है, वर्दी का अपमान देश का अपमान। कानून कायदे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की, कानून है ना वो। पाकिस्तान में कोई मारपीट करेगा तो हम किसके हवाले देंगे? पुलिस के हवाले। तो हम कैदी ड्यूटी करते, पुलिस की ड्यूटी करते, तो हमने डरना नहीं, हमने किसी से डरना नहीं, लेकिन नम्रता और प्रेम से। बाकी बस हो गया।